हेलो फ्रेंड्स, विमल कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पापड़। मैंने आलूओं को उबाल लिया है। आलू उबाल के छिलका उतार लेते हैं इसका। अब इसे मैश करते हैं एक मैशर से। आलू को अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। अब इसे करते हैं मिक्स। मिक्स हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे, हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। हाथों पे ऑयल लगा के छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरह से सारी बना लेंगे। चलते हैं पापड़ बनाने के लिए। अब लेंगे दो ट्रांसपेरेंट पन्नी। एक बिछाएंगे चकले के ऊपर, चकले के ऊपर लगाएंगे तेल, मतलब पन्नी के ऊपर। अब लोई को रखेंगे ऐसे, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल। अब रखेंगे इस पन्नी को इसके ऊपर।
आप चाहे ऐसे कर सकते हैं हाथों से, इस तरह से हाथों से प्रेस करते जाएंगे चारों तरफ और गोल बनाते जाएंगे। बस एक पॉलीथीन को ऊपर से हटा देंगे। अब इसे करते हैं ट्रांसफ़र एक कॉटन के कपड़े पर। ये रहा कॉटन का कपड़ा। अब पापड़ को इस कॉटन के कपड़े पे इस तरह से डालेंगे, इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से पन्नी हटा देंगे। अब बनाते हैं दूसरा पापड़ इसी प्रोसेस से। इस तरह से हटा देंगे दूसरे पिल्ली को। इस तरह से फैलाएंगे। सारे पापड़ इसी तरह से बनाएंगे। सारे पापड़ इसी तरह से बना लेंगे और इसे धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं। सारा पापड़ धूप में सूख चुका है। अब इसे करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। इसमें डालते हैं एक एक करके पापड़। आंच हमारी धीमी ही रहेगी। सारा ऑयल निकल जाए। अब डालते हैं दूसरा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह से सारे पापड़ फ्राई कर लेंगे। गैस को करते हैं बंद।
आलू के पापड़ बनके हो गए हैं रेडी। देखिए कितने कुरकुरे हैं, आप भी बनाएं मेरे जैसे घर में पापड़।